नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज जिला अस्पताल में लापरवाह डॉक्टरों पर सीएमएस सख्त हो गए हैं। ओपीडी से गैर हाजिर रहने वाले 3 डॉक्टर्स को उन्होंने नोटिस जारी किया है। ईएमओ बाल रोग विशेषज्ञ व ऑर्थो सर्जन को सीएमएस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। सीएमएस का कहना है कि जिला अस्पताल की ओपीडी में लापरवाही कर रहे थे 3 डॉक्टर, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मरीजों की शिकायत के बाद सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। उनका कहना है कि दोबारा निरीक्षण में ऐसी खामियां मिली तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संक्रमण फैलने के दौर में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीबू सैनी की रिपोर्ट। ये रूटीन निरीक्षण था, मैंने इमरजेंसी में निरीक्षण किया तो वहाँ पे आज काफ़ी भीड़ भी है शनिवार के नाते, तो वहाँ पे कुछ घायल भी थे और कुछ इमरजेंसी मरीज भी थे। लेकिन एक बहुत आपत्तिजनक बात हमको मेरे संज्ञान में आई कि एक पेशेंट को उनके अटेंडेंट जो है व्हीलचेयर में लेके जा रहे थे। मैंने तत्काल जो वार्ड बॉय नामित थे उनको बुला के इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं, उनको चेतावनी भी दी जाएगी। मेरे बार बार कहने के बावजूद उन लोग बीच बीच में इस तरीके की कमियां पैदा कर देते हैं जिससे जनमानस को नुकसान होता है, तो इनसे स्पष्टीकरण मांग के इन पर एक्शन किया जाएगा। बाकी थोड़ा साफ सफाई और उच्चीकृत होनी चाहिए और मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से थोड़े मौसमी बीमारियां जो हैं उनकी बढ़त हो रही है, उसके लिए मैंने डॉक्टरों को थोड़ा सा ताकीद किया। तो जनरल निरीक्षण था। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।